जय हिंद बच्चों, ये लोटस फ्लावर है, इसको कंप्लीट करना है। हाफ साइड में बना रखा है, दूसरी साइड में आपको पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है और इसकी हाइट ऊंचाई चौड़ाई देखते हुए उसी शेप की पत्ती बनानी है आपको। ये देखिए जैसे हम बना रहे हैं, पहले पेंसिल से हल्का ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक ये आइडिया, ये आपको सीखना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। इसका और कोई तरीका नहीं है, एक आइडिया लेकर के आपको बनाना पड़ेगा कितनी दूरी पे कितनी ऊंचाई पे ये पत्ती है, तो दूसरी पत्ती भी वहीं पे उसी ऊंचाई पे उसी शेप में बनेगी। आप एक दो बार ट्राई करें, पेंसिल से बना लें पहले, और जब आपको लगे कि हाँ ये फाइनली अच्छा सा बन गया है तो इसको कलर कर दें। तो आपको ट्राई करना है, ये पेंसिल से पहले बना लें इस तरह से। ये देखिए हमने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है हल्के हाथ से, और उसके बाद हम इसको कलर कर देंगे। ये लगभग फाइनल बन गया है, जैसा चाहिए वैसा। अब इससे जब आपको लगे कि अच्छा सा बन गया है तो आप कलर से, ये मोम कलर है, सबके पास है, वैक्स कलर, क्रियोन्स कलर, मोम कलर, आप इसको इस तरह से कलर कर दें। अगर आपके पास वाटर कलर है तो वाटर कलर भी कर सकते हो। ये नीचे का पीस है, इसको आप ग्रीन करना है। ये हमने ग्रीन इसकी आउटलाइन बना दी है, ये ग्रीन कलर है। इस तरह से आपको बना लेना है। कुछ बच्चों ने बनाया है और बहुत से बच्चों ने नहीं बनाया है, तो उनके लिए हमने वीडियो बार बार बच्चे मांग रहे थे, ये हमने भेज दिया है। तो ये आप इस तरह से कलर करें और ये अनकम्प्लीट ड्राइंग को कंप्लीट करना सीखें। दूसरी साइज़ में सेम साइज़ और सेम लुकिंग वाइज ये जो पार्ट है वो आपको बनाना है, और इस तरह से आपको कलर कर देना है। ये लोटस बन के आपका तैयार हो गया है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी बेस पे और भी बहुत सारी ड्राइंग है जो हाफ पोर्शन में आपको मिलेंगी, आपको उसी तरीके से आपको उसको कंप्लीट करके बनाना है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, पहले पेंसिल से अच्छे से बना लें, उसके बाद ही कलर करें। और ये आप दो चार बार ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा सा आप बना लेंगे। और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा सा बना भी लिया है, जिन बच्चों ने नहीं बनाया है उनके लिए वीडियो है ये, ध्यान से देखें वीडियो को और इसी तरह से बना करके चेक करवाएं। जय हिंद, जय भारत।